आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में गैंग रेप मामले में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच देश खबर 24 ने सबसे पहले पीड़ित महिला से बातचीत की है। पीड़ित महिला ने तेज खबर 24 को अपनी आप बीती सुनाते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं संजय गांधी अस्पताल, जहां हमारे खास संवाददाता आरिफ खान मौजूद हैं, जिन्हें पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती सुनाई है। खराब यहाँ मुँह बांध रहा, पता नहीं 4-5 जने के रहा कि नहीं रहा। 4-5 लोग थे। हाँ, मुँह बांध रहा। कौन कौन थे, किसी को पहचानती हैं? नाम बताओ। किसी को पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। हाँ तो नाम बताओ। नाम अमूर बांध कर रहा तो फिर पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, तो नाम किसी का मालूम है? नाम बतावा के लिए नाम सरपंच है। सरपंच बोल रही है। अभिधानी गांव का सरपंच। और अभिधानी है? अभिधानी रहा है क्या? और बतावा। वो नहीं सुधी कई के और के रहा है? नाम बतावा। सरपंच रहा अरुण सिंह है। अरुण सिंह। हाँ, और दो चार जने के रहे हैं वहीं गांव के। कहाँ ले गए थे आप? गाँव नहीं, हमारे मुँह आँख में बांधे रहना है, घर में रहना है। आपके साथ गलत किए हैं? हाँ वो गलत तो किए है, तो मुँह बांध ले रहे हैं तो फिर हमारे सुधीर नहीं रह जाइए रही है। कई लोग थे? 4-5 लोग रहे हैं। आप कैसे वहाँ से आई थी? कोई लोग नहीं आए थे? हाँ। शाहपुर थाना अंतर्गत एक विधवा महिला के साथ गैंग रेप की घटना हो जाने के बाद महिला की हालत गंभीर बनी हुई थी। आज 5 दिन बाद महिला ने अपना मुंह खोला और अपने साथ हुई घटना को तेज खबर के साथ साझा किया। महिला का कहना है कि गांव के सरपंच पति सहित 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि आरोपियों ने महिला को मरणासन्न हालत में संजय गांधी अस्पताल में छोड़ा था। पूरा प्रशासन उसका बयान लेने में जुटा हुआ था, लेकिन अभी तक महिला होश में नहीं आई थी। होश में आने के बाद तेज खबर से बात करते हुए महिला ने अपनी पीड़ा बताई। महिला का कहना है कि गांव के सरपंच पति सहित 5 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और जान से मारने की कोशिश की। हालांकि नशे के चलते आरोपियों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे दया आ जाने के कारण संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गए थे। आज महिला ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। मैं आरिफ खान तेज खबर 24 से आपके साथ संजय गांधी अस्पताल में। हमारी इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से पीड़ित महिला ने गैंग रेप की घटना का खुलासा किया है। तेज खबर 24 के संवाददाता आरिफ खान को पीड़ित महिला ने आप बीती सुनाते हुए गांव के ही सरपंच पति सहित 4 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। महिला ने आप बीती सुनाते हुए बताया है कि पहले आरोपियों ने उसका अपहरण किया और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके मुंह में कपड़ा बांधकर बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। एक बार फिर सुनिए पीड़ित महिला की जुबानी। खराब यहाँ मुँह बांध रहा, पता नहीं 4-5 जने के रहा कि नहीं रहा। 4-5 लोग थे। हाँ, मुँह बांध रहा। कौन कौन थे, किसी को पहचानती हैं? नाम बताओ। किसी को पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। हाँ तो नाम बताओ। नाम अमूर बांध कर रहा तो फिर पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, तो नाम किसी का मालूम है? नाम बतावा के लिए नाम सरपंच रहा है। सरपंच बोल रही है। अभिधानी गांव का सरपंच। और अभिधानी है? अभिधानी रहा है क्या है? और बतावा। वो नहीं सुधी कई के और के रहा है? नाम बतावा। सरपंच रहा अरुण सिंह है। अरुण सिंह। हाँ, और दो चार जने के रहे हैं वहीं गांव के। कहाँ ले गए थे आप?
काम नहीं हमारे मुँह आँखी में बांधे रहना है, घरे में रहना है। आपके साथ गलत किए हैं? हाँ वो गलत तो किए है, तो मुँह बांध ले रहे हैं, तो फिर हमारे सुधीन नहीं रही है। ये रही है चार पांच रोक रहे हैं। आप कैसे वहाँ से आई थी? कोई तो नहीं आए थे? हाँ